कौन से गुड्स ने आपके पास अपनी माँ से काफी ज्यादा बच्चियों में दूध इम्प्रूव किया? सो बेसिकली जो ये जो अपनी दो लाइनें हैं ये इवन थर्ड लाइन जी, ये हमारी वो गाय बनती हैं जो मिल्क में जी। हमारा बेसिकली सिस्टम ये है कि ये लाइन में वो गाय हैं जिनका सबसे ज्यादा मिल्क है। ओके, डजंट मैटर कि वो एक महीने की काब हुई है, बबी आई है, या फिर चार महीने की भी आई है। कई लोग, कई गाय पांच पांच महीने तक जो है ज्यादा मिल्क देती है जी। राइट, तो बेसिकली अपना प्रोटोकॉल है कि यहाँ पे जो फीड पर काउ जाएगा वो जाता जाएगा। ओके, कई लोग एक एक गाय में डिफरेंशिएट करते हैं, अपन वो नहीं कर पाते। तो इस लाइन में बेसिकली नेट नेट अगर बोला जाए तो सबसे ज्यादा खाना दाना एटलीस्ट इस लाइन पर जी। राइट, उसके बाद ये लेवल टू की गायें हैं। ओके, तो यहाँ पे जो खाना पड़ता है वो सेकंड लेवल पे पड़ता है, लाइक पर काउ में भी हाफ अ किलो वन किलो लेस जी। इसमें हम माइक्रो मैनेजमेंट का अगर देखें तो हम ये करते हैं कि उसमें भी जो पहली सात आठ बांधी हुई है जी, ये सबसे ज्यादा मिल्की ये वाली है। ओके, तो चलते चलते दाने वाला जो डालना होता है जी, वो जो लास्ट में बचता है वो एक्स्ट्रा बाल्टियां यहाँ डल गई। ओके, लेकिन यहाँ पे हम वो नहीं कर पाते कि यू नो एक एक को एग्जैक्टली इतना खिलाना है, वो मेजर करना है वगैरह वगैरह जी जी। अप्रोक्सीमेशन पे चलता है, बट जो चीज एग्जैक्ट होती है वो ये होती है कि यहाँ पे हमारी 22 गाय है जी, तो 22 गाय का कितना डलेगा खाना टोटल वो फिक्स करता है जी। राइट, सो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जैसे ये जो दोनों गाय है, इन दोनों गायों का जो लाइन है वो NDRI है। ओके, ये 1682 की बेटी है, फॉर एग्जांपल 1682 या एंड इस टाइम पे ये साइलेज खा रही हैं। आई है, मिल्क परफॉर्मेंस कैसा रहा भाई इसका? ओके, सो जो ये वाली है इसका, इनफैक्ट मैं बहुत फ्रैंकली बताऊं तो मुझे इसका ऑर्डर भी पसंद नहीं है। ओके, अगर आप इसका ऑर्डर देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा लटका हुआ है जी। राइट, सो नेक्स्ट लेवल पे इसका करेक्शन जो है ऑर्डर पे ही लेना है। ओके, अगर बाकी पैरामीटर पे देखो, साइज वगैरह वगैरह, सो बड़ी गायों में, साहिवाल में इतनी बड़ी गाय मिलती नहीं है जी। राइट, तो इसीलिए इसके करेक्शन में थैंकफुली इस बार जो इसकी बच्ची आई है अपने पास, पहली बार एक मैंने मैसेज भी भेजा था कि चार बछड़ों के बाद पहली वो बछड़ी आई है। हाँ, ग्रुप में आपने जी, तो वो बादल की आई है जो मेरे हिसाब से एटलीस्ट अर्डर में करेक्शन बिल्कुल आ रहा है उसका, भले ही मिल्क बहुत नहीं बढ़ा रहा। ठीक है, इसकी जो एक्चुअल रिकॉर्डेड जो हमारे यहाँ मिल्क परफॉर्मेंस है वो 16.5 केजी के अप्रोक्सीमेटली पीक पे करा है। ओके, मिल्क लंबे टाइम है, अगर ये प्रेग्नेंट नहीं होती, एक दो बार हुआ है कि लंबा चल गया है, तो फिर ये देती रहेगी, रुकेगी नहीं। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर अपने आप वो चार पांच महीने बाद कम हो जाता है, हम इसको ड्राई कर पाते। ठीक है, इसके बाद आप इस वाली पे आते हैं, ये भी NDRI है। ओके, राइट, सो इन दोनों की ये चीज है कि भाई ये मदर भी NDRI साइड से ऑक्शन में और फादर भी NDRI, तो इसका 6th या 7th लैक्टेशन है इस टाइम। ओके, एंड आप अडर देखोगे तो इसका अडर कहीं ज्यादा अच्छा है। हाँ, इसलिए इसका एक जो बेटा है वो बुल हमने यूज करा है। ओके, एक और चीज इसकी अच्छी है कि साइज तो इसका अच्छा है, तो कम खाने में ज्यादा देती है जी। तो इसका जो उसके अलावा और अच्छी चीज है वो ये है कि ये हर साल बच्चा देती है। दैट इज अ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, सिस्टम बहुत मैटर करता है भाई। 8 सालों के एक्सपीरियंस से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को देसी गाय क्यों नहीं रखना चाहिए? अगर वो गौ पालन करना चाहता है तो उसे गौ पालन क्यों नहीं करना चाहिए? बहुत से लोग आज इम्प्रेस हो गए यूट्यूब की वीडियो से, ब्रीडर से, लोगों की ये वीडियो कि आशीष भाई महीने का 14 लाख रुपए कमा रहे हैं, साल का 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, वो भी 10 गायों से 4 गायों से। जी जी जी, तो इन चीजों से इम्प्रेस हो जाते हैं लोग। करें, तो इन चीजों की सच्चाई क्या है, और किसी को गाय क्यों नहीं रखनी चाहिए, और अगर किसी को रखनी चाहिए तो उसको कैसा, उसका फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए कैसा, देखिए बैकअप प्लान होना चाहिए? नहीं, आई नो मैं, बहुत डिफिकल्ट सवाल है, फिर से आप पूछ रहे हो बहुत डिफिकल्ट सवाल। तो
देखिए ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है जी। अगर आप शौक के लिए रखते हैं, कई लोग शौक के लिए रखते हैं कि हमें ब्रीड बनानी है, ये करना है, देसी गाय चाहिए, घर में कंजम्पशन भी हो जाएगा अच्छे दूध का और हमारी देसी गाय भी बनेगी, तो देन आपका टारगेट है कि आप सेलेक्टिव 1, 2, 3 उससे ज्यादा नहीं वो गाय रखें, हर एक गाय की लाइन से आप आगे सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके लाइन बनाए, राइट। इसमें आपके रिसोर्सेज बहुत लगेंगे बट ये शौक वाली चीज है, यू डोंट केयर, आपको नहीं फर्क पड़ता कि आपके कितने पैसे लग रहे हैं, आपका रोज वहां वेट आ रहा है, आपकी डाइट जो है परफेक्ट है वगैरह वगैरह, आपके घर पर दूध आ रहा है, आप उससे खुश हैं, कोई आपका मॉनिटरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। एंड देन सेकेंड पार्ट आता है जहां आप गाय रखते हैं, जहां आपका साथ में मॉनिटरी ऑब्जेक्टिव भी है, इसको मैं फिर एक और तरीके से क्लासिफाई करूंगा, आप एक आपके फार्मिंग है खुद की, आपने घर पे 8 से 10 गाय छोड़ दी, बिकॉज कई जगह होता है घर में गाय रखने का, 5 से 8 गाय छोड़ दी या 10 गाय छोड़ दी, और उसमें आप जो मिल्क निकल रहा है घर में कंज्यूम कर रहे हैं और बचा हुआ डेयरी पे जा रहा है, प्लांट पे जा रहा है, उसको आप फिर भी सस्टेन कर पा रहे हैं क्योंकि आप जमीनों में वो काट रहे हैं, चारे वारे खुद खिला रहे हैं, बिल्कुल आपकी ग्रेजिंग जमीन है या कुछ और ऐसी चीजें हैं, बिल्कुल, तो आप कुछ हद तक उसको सस्टेन कर पा रहे हैं, लेकिन जो मेरा अनुमान है उसमें आपको प्रॉफिट नहीं है, आप रख रहे हैं बट शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आपको प्रॉफिट देसी गाय में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब आप शुरू में रखेंगे आपको ज्यादा, तो ऑनेस्टली हमारी जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन था पर काओ जो आज से 6 साल पहले था और आज है बहुत अलग है ना, बिल्कुल इन्हीं से बना है, तो ये जो सेकंड वाली स्टेज है यहाँ लोग करते रहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि देसी गाय में आपका नेट नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आप 5 एकड़ में उनके लिए चारा उगा रहे हैं, आप क्या बोलते हैं यार मेरा घर पे उग रहा है चारा, चारा तो हम ऐसे ही खिला देते हैं, यदि वो 5 एकड़ में आप गेहूं करते या कोई और कमर्शियल क्रॉप करते या आप कुछ नहीं करते, आप पट्टे पे दे देते, आप वो कॉस्ट लगाइए, बिल्कुल, बिकॉज वो कॉस्ट जा रही है आपकी, बिल्कुल गाय को खिलाने एक अर्निंग का सोर्स था वो आपका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं इसको एसेंशियली, तो वो 5 एकड़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आप लगाएंगे ना जो उनमें जा रहा है, बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से अगर आपको शौक नहीं है या फिर आपको ये नहीं दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे मेरा कुछ हो रहा है या मेरे को बहुत लगाव है, तो वो 8 से 10 गाय अगर आपका प्लांट में सप्लाई है तो एक बार और सोचना बनता है, तो शायद उन लोगों को रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, अगर प्लांट में सप्लाई ही करनी है तो शुरू वाली स्टेज में जर्सी रखिए, HF रखिए, प्रेडिक्टेबिलिटी भी ज्यादा है, और एक तो ये हो गया इसमें, दूसरा मैं ये कहूंगा अगर किसी का शॉर्ट टर्म विजन है कि आप एक्सपैंड करने को भी तैयार हैं, आप एसेंशियली 4 साल का या 5 साल का विजन लेके चल रहे हैं कि हम जो है 100 गाय रखेंगे और उसको लेके जाएंगे और आपका प्रॉफिट मोटिव है, तो भी आपको नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज डेयरी फार्मिंग में मैं 4 साल का होराइजन जो है उसे शॉर्ट टर्म मानूंगा, लॉन्ग टर्म नहीं मानूंगा, ठीक है। जो एक्चुअल रिजल्ट आता है डेयरी फार्मिंग में, बी इट कि आपकी जो हर्ड है वो उसकी एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या है, ये बड़ी हुई, इनका मिल्किंग आया, 100 गाय हैं उसमें से कितने परसेंटेज अच्छी हैं, कितने परसेंटेज एवरेज है, बिलो एवरेज है, जी वो सब करते करते आपके 6-7 साल निकल जाने, हम कितनी भी बात कर लें कि यार पहला बच्चा तो हम 3 साल में ले लेंगे, है ना, वो 3 साल में नहीं, पहले तो 9 महीने प्रेगनेंसी के, मतलब फर्स्ट मिल्क हमारे घर में अगर आपके पास एक गाय है उससे अच्छी ब्रीडिंग करके आपको बछिया लेनी है, उस बछिया का फर्स्ट मिल्क जहाँ पे आप बोलें कि मेरी प्रोडक्टिविटी अब बेटर हो रही है पूरे ऑपरेशन की, वो 3 साल की जर्नी नहीं है, वो कम से कम 4.5 साल की जर्नी है, लग जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट काविंग अगर आपकी 22 मंथ्स तो बहुत कम फार्मों में करा है, लेकिन 24 to 27 मंथ्स की HF की हो जाती है फर्स्ट काविंग, तो यही चीज आपकी देसी में 36 मंथ्स कहीं नहीं गए एवरेज, जो भी आप एसेंशियली उसमें भी आप 27 महीने की प्रेग्नेंट कर रहे हैं, मतलब आपने अच्छा खिलाया ये करा, अगर कोई 18 महीने की बोलते हैं तो फिर आप कमर्शियल काम नहीं कर रहे हैं ऑनेस्टली, बिकॉज आप अगर सारा दूध ही गाय का उसको पिला रहे हैं, बिल्कुल दूध के भी प्रोटोकॉल्स है ना, पहले 3 महीने कितना होना चाहिए, फिर किस हिसाब से कम करना चाहिए, वो फीड पे आनी चाहिए, बिल्कुल
दूसरा आपको जो फीड भी खिला रहे हैं उसकी भी एक कॉस्ट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो आपको बैलेंस करके अगर चलना है तो इंटर काविंग पीरियड ही आपकी इस गाय का नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है. बिल्कुल. तो वो जो जर्नी है 9 महीने प्रेगनेंसी की, उसके बाद बहुत अच्छा काम करा तो 3-3.5 साल की उसकी, तो 4-4.5 साल आपके हो गए जब आप फर्स्ट मिल्क में आई. इनका जो वो वाला ट्रेट है कि पहले ब्याथ में और तीसरे ब्याथ में कितना डिफरेंस आएगा, वो इनमें ज्यादा है. राइट. बिल्कुल. प्रेडिक्टेबिलिटी भी कम है. पहले ब्याथ में 14 लीटर दिया, बहुत खुश है, पता चला तीसरे में भी 14 ही है. राइट. जेनेटिक फिक्सेशन हमारी देसी में कम है. बिल्कुल. हेंस ये प्रेडिक्ट करना क्या बिहेवियर आएगा वो उतना आसान नहीं है. उस जगह पे हम पहुंचेंगे आज से 10 साल बाद, 15-20 साल बाद. साहिवाल में स्पेसिफिकली, साहिवाल में एग्जैक्टली समय मांगती है. एंड साहिवाल में तो प्रूवन बुल भी नहीं है. सो बेसिकली यहाँ पे जितनी भी हैं वो जैसा मैंने बताया था हाई मिल्कर है जी, सारी की सारी जी. अगर मैं इस गाय की बात करूँ तो इस गाय की मदर GLF से है. ओके. एंड इसका फादर एक जीवन नगर का बुल था. ओके. राइट. अब आप बोलेंगे इतनी अच्छी पेडिग्री है जी, इसका पीक 14.5 kg रहा. ओके.